नमस्ते, बॉक्रिशे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको गले की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, जैसे कि टोन्सिल बढ़ जाते हैं, कभी कभी आपको छाले बन जाते हैं, गले में आपको बहुत ज्यादा अटका हुआ लग रहा है, या फिर आपको खांसी चलती है, किसी भी प्रकार का अगर आपको गले का रोग बार बार हो रहा है, इसके पीछे आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप जीभ की सही ढंग से साफ सफाई नहीं करते हैं तो भी आपको इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। अगर आपकी जीभ पर आप ध्यान नहीं देते हैं, मुंह के अंदर आप सारी साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन जीभ की अगर सही ढंग से साफ सफाई नहीं होती है तो इस प्रकार के संक्रमण होते रहते हैं। जिस किसी व्यक्ति को गले के संक्रमण होते हैं उसे इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जीभ भी हमारे गले के रोगों को पैदा करती है। जब इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपकी जीभ को आप साफ करते हैं तो किस तरह से आपको जीभ साफ करना चाहिए, उसके लिए ऐसी कौन सी चीज को यूज करना चाहिए जिससे कि जीभ बिल्कुल साफ रहे, साफ करने के लिए आप ऐसी कौन सी क्रियाएं करें जिससे कि आपकी जीभ हमेशा साफ रहे और आपकी गले के रोग नहीं बढ़े। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज दो उपाय बताऊंगी। अगर कोई भी व्यक्ति रोज इन उपायों को करते हैं तो उनका मुंह पूरी तरह से साफ रहता है, किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता और ना ही गले संबंधी कोई रोग होता है। और अगर रोज उन उपायों को नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह के अंदर एक शेड्यूल बना लें कि एक दिन या फिर दो दिन उन उपायों को जरूर करें। आपका जीभ अगर साफ रहेगा तो आपके गले के रोग बिल्कुल नहीं होंगे और आपके मुंह का किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। आज इस वीडियो में यह जानेंगे। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारे शरीर की साफ सफाई पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर इसकी सफाई पर भी हम ध्यान देने लग जाए तो गले संबंधी कोई भी रोग नहीं होते। जीभ एक ऐसा अंग होता है जो हमारे स्वाद का अनुभव कराता है। किस प्रकार का खाना हम खाते हैं उस चीज का अनुभव हमें होता है। अगर आपकी जीभ में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो आपका मुंह का स्वाद आना बिल्कुल बंद हो जाता है, साथ में ही गले के संक्रमण बढ़ जाते हैं। हमारी जीभ ये सब बताती है कि हमको किस प्रकार का रोग होने वाला है। डॉक्टर्स भी इस प्रकार से जब आप चेक कराने के लिए जाते हैं, जीभ को बाहर निकाल कर चेक करते हैं कि आपकी जीभ सफेद दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है, या उसमें छाले हो गए हैं, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया है, तो वो ये सब कुछ चेक करते हैं। उसके रंग और उसके आकार से पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। आयुर्वेद के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि वेद क्या करते हैं कि आपकी नब्ज को देखकर, आपकी आंखों को देखकर, आपकी जीभ को देखकर आपकी बीमारियों का पता करते हैं। तो जीभ एक बहुत ही ज्यादा अभिन्न अंग होता है जो हमारी बीमारियों का पता करवाता है। अगर हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो जीभ को देखने से उस बीमारी का पता कर सकते हैं और उसके लिए हम उपाय भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जीभ बहुत ही ज्यादा सफेद और पीली दिखाई देती है तो डॉक्टर और वैद्य भी यही बात बोलते हैं कि खून की कमी आ रही है। अगर आप भी खुद देखते हैं कि आपकी जीभ बहुत ज्यादा सफेद हो रही है, सफेद द्रव्य आपकी जीभ पर जमने लग गया है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन और खून की कमी होने लगी है। अगर आप आपकी जीभ की साफ सफाई अच्छे से करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से बच के रहते हैं। बच्चों के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जीभ अगर गंदी है, उस पर किसी प्रकार का द्रव्य जम रहा है या लाल हो रही है, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जीभ का संक्रमण तो नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चों को सर्दी जुकाम लगता है, या फिर बार बार बुखार आता है, या फिर उनके किसी ना किसी प्रकार का गले का रोग अगर होता है तो इसके पीछे जीभ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप बड़े हैं और आपको गले के रोग बहुत ज्यादा सता रहे हैं तो आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना है कि आपकी जीभ में किसी प्रकार का संक्रमण है, उसकी सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है। आज जो दो उपाय हम करेंगे उससे आपकी जीभ पूरी तरह से साफ रहेगी, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। साफ करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके गले के रोग नहीं होंगे, आपके दांतों में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, आपके फेफड़ों में और आपके पेट संबंधी भी कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए समय समय पर जीभ की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज हम करेंगे वो उपाय आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दांत साफ करते हैं, अगर उनके जीभ भी आप अच्छे से साफ करेंगे तो बच्चे भी बहुत सारी बीमारियों से बचकर रहेंगे। सफाई के लिए आप क्या करें, सप्ताह के अंदर जैसे एक या दो दिन क्या करें, हमेशा गर्म पानी थोड़ा सा कर लीजिए, उसमें आप चाहे तो थोड़ा अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ा नीम की पत्तियां डाल लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए, उस पानी को अच्छे से गर्म करना है। उसी पानी से आपको कुल्ले करने हैं। कुल्ले किस तरह से करने हैं कि आपको बार बार मुंह के अंदर पानी को भरना है और पानी को पूरा मुंह के अंदर घुमाना है।
जैसे कि आप दांत साफ करते हैं तो फिंगर की सहायता से सारी दांतों पर पानी को घुमाते हैं, उसी तरह से आपको जीभ पर भी अपनी उंगली से पानी को घुमाना है, उस पानी को बार बार डालना है और जीभ की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। बहुत सारे व्यक्ति के जीभ पर सफेद द्रव्य जम जाता है, पीलापन आने लगता है और उसे वो खरोचते हैं तो उसे खून निकलने लगता है या फिर मवाद भी बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से कोई गलती ना करे, उस पर अगर कुछ जम रहा है तो आप पहले ही थोड़ा ध्यान रखिए कि उसकी सफाई कैसे करनी है। और अगर आपको इस प्रकार से जम चुका है तो आप इस गर्म पानी से रोज जीभ को साफ करिए, आप देखेंगे कि वो संक्रमण सही हो गया है, जीभ की पूरी गंदगी साफ हो गई है। तो पहला उपाय यही है कि आपको एक पानी से गर्म पानी के साथ में नीम या फिर अजवाइन या फिर नमक डालकर जो पानी आप बनाएंगे उस पानी से आपको कुल्ले करने हैं, गले तक आपको उस पानी को पहुंचाना है, अच्छे से जीभ की सफाई करनी है। दूसरा उपाय बहुत ही आसान है, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे आप कोकोनट वर्जन ऑयल लीजिए, अपने मुंह के अंदर एक ढक्कन भरकर डालिए और उसे भी अपने मुंह के अंदर घुमाइए। जैसे ही आप कोकोनट वर्जन ऑयल को अपने पूरे मुंह के अंदर घुमाएंगे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आपकी जीभ की सफाई होगी, आपके दांत की समस्या सही होगी, आपके मसूड़े मजबूत बनेंगे, आपके गले में टोन्सिल भी काफी अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोकोनट वर्जन ऑयल से अपने मुंह में भर करके उसकी सफाई करनी है। इन दोनों उपायों को आप जब भी करें एक ही दिन में करें, और दोनों उपायों को आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके मुंह में जो बदबू आती थी वो भी आना बिल्कुल सही हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ कर लेते हैं, बहुत बार अपने गले को साफ कर लेते हैं, लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं, जिसके कारण गले के रोग बनने लगते हैं। अगर आपको गले के रोग बहुत ज्यादा होते हैं तो इन दो उपायों को आप रोज कर सकते हैं या फिर सप्ताह के अंदर दो दिन भी कर सकते हैं। एक उम्र होती है जब आपके मुंह में से स्मेल आने लगती है, आपके दांत खराब होने लगते हैं, और ये समस्या कोई एक के साथ में नहीं लगभग सभी के साथ में बनती है। क्योंकि अगर आपका खाना थोड़ा सा भी मुंह के अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है तो वो सड़न पैदा करता है, बदबू पैदा करता है और गंदगी वो आपके गले तक फैलती है। लेकिन अगर आप दांतों को साफ कर ले, अगर आप जीभ को सही ढंग से साफ कर ले तो आपको गले के रोग फिर नहीं सताएंगे। उनको साफ करने के लिए अगर प्लास्टिक का कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको और बीमार करते हैं। इसीलिए आप क्या करें, स्टील का बना हुआ कोई सा टंग क्लीनर यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी फिंगर से ही आप साफ कर सकते हैं, या अपना पुराना कोई टूथब्रश होता है उसे भी आप हल्के हल्के से जीभ को साफ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप नुकीली चीज से जीभ को साफ ना करें, कभी भी आप आपकी जीभ के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट का यूज ना करें। बचना चाहिए जब तक हो सके तब तक प्लास्टिक आइटम से। तो अगर आप जीभ को साफ करने के लिए प्लास्टिक का क्लीनर यूज करते हैं, प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आप स्टील वाला टंग क्लीनर ले सकते हैं, या फिर पुराने जमाने में बहुत सारे पैसे वाले अगर कोई व्यक्ति रहते थे तो वो क्या करते थे, चांदी का ही एक इस तरह से छोटा सा पतला सा कोई टंग क्लीनर बना के रखते थे और उसी से वो अपनी जीभ को साफ करते थे। और आपने देखा होगा कि वो अपने गले के अंदर ही उसको पहने रहते थे, अपने दांतों में भी कुछ फंस जाता था तो उसी से वो साफ कर लेते थे और अपनी जीभ को भी साफ करते थे, जिसके कारण उनके गले में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं और साथ में अगर सफाई का ध्यान ना दे तो गले के रोग बढ़ने लगते हैं। अगर आप गले का रोग नहीं चाहते हैं तो आपको जीभ पर जरूर ध्यान देना चाहिए, उसके कलर चेंज होने पर, उस पर द्रव्य जमने पर या फिर पीलापन आने पर, इन सब बातों का ध्यान आपको होना चाहिए। उसकी सफाई अगर सही ढंग से करेंगे तो आपके गले के रोग बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हमारे स्वाद का अनुभव कराती है, अगर हम हमारी जीभ को बिल्कुल साफ रखेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से बच के रहेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी वीडियो कुछ यूजफुल है तो लाइक करना भी ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।